Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और साथ ही में आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसी उपलक्ष में आप लोगों को स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है, मतलब अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है तो अभी आप लोगों को 75% का ऑफ मिल रहा है। तो स्लाइड में दिख रहा होगा आप लोगों को कि ऑनलाइन कोर्स में अभी आप लोगों को 75% का ऑफ मिल रहा है, मतलब अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स परचेज करना है, बैंकिंग का करना है, एसएससी का करना है या फिर रेलवे का करना है, तो अभी आज के दिन में अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोगों को उसका 75% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस बोर्ड पर। और साथ ही में आज हम लोगों की टोटल 50 क्लास पूरी होने वाली है ना। टोटल हम लोगों ने एनटीपीसी की अब तक टोटल 50 क्लासेस की है। अब ये बताएंगे आप लोग कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टोटल पूरी 50 की 50 क्लास अटेंड की है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे हमारे साथ और टोटल 50 क्लासेस पूरी की है और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। बिकॉज देखो, आप लोगों को एडवांटेज मिल रहा होगा, आप लोग खुद देखते होंगे कि आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोगों की स्पीड बढ़ चुकी है, अब हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है कैलकुलेशन में, अब हम लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो एक बार जल्दी से फास्ट कमेंट करके बता देंगे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल रहा है, कितने स्टूडेंट्स का स्पीड बढ़ चुका है, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमारे साथ जुड़े हैं। बिकॉज होता क्या है, जब कोर्स स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो बहुत बच्चे आते हैं, बट बहुत से बच्चे बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, वैसा कितने लोगों के साथ नहीं है देखते हैं। ओके, समीर का कहना है सर आई एम कंप्लीटेड। ओके लपिता, ओके ओके वेरी गुड। प्रज्ञा, अगर आपको स्टार्टिंग से क्लास करनी है तो आप लोग टेक्स्टबुक के चैनल पर जाकर, टेक्स्टबुक चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से आपने ज्वाइन नहीं किया था तो आप स्टार्टिंग से ज्वाइन कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख सकते हो। क्या करना है आपको, टेक्स्टबुक पे जाना है, टेक्स्टबुक ऑफिशियल चैनल पे जाना है, चैनल के बाद आप लोग प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग सर्च कीजिए तो आपको पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनटीपीसी क्वांट का। ठीक है, चलो ओके वेरी गुड। सीएम का भी कहना है सर हमने कंप्लीट किया है। ओके चलो आ जाओ, फिर आ जाते हैं हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके लिए आप लोगों को करना है। ठीक है, हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब वहाँ से मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ प्रीवियस ईयर के, जो आप लोगों को करना है, जिसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम दूंगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और देखेंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। हम लोगों का सेशन कंप्लीट जैसे ही होगा तब आप लोगों को अपने स्कोर भी कमेंट करना और बताना है कि आपके 10 out of 10 कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से सेशन को। पहले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, 45 सेकंड का टाइम है, 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। ठीक, ओके सेकंड रिमेनिंग है, जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। चलिए टाइम अप हो चुका है, बता देते हैं। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दूंगा तब मैं एकदम शांत रहूंगा ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया था आपसे राज एंड राम,
रन द डिस्टेंस, रन द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब जो राज का स्पीड है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर्स है, 5 किलोमीटर पर आवर्स। और कौन है, राम है, राम का स्पीड कितना बोला है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर्स। और देखो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करें, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपसे बोला गया है कि राम जो है उसको राज से कितना टाइम कम लग रहा है, 10 आवर्स कम लग रहा है, कितना, 45 मिनट कम लग रहा है। कितना टाइम कम लग रहा है, 45 मिनट कम लग रहा है। तो आपको ये बताना है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जो राम ने चली होगी, जो राज ने चली होगी, दोनों ने सेम डिस्टेंस चला होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स होता है। स्पीड का रेशियो लिखते हैं राज और ये राम, राज का 5 का स्पीड था, राम का 10 का स्पीड था, स्पीड का रेशियो बनेगा 5:2, ये स्पीड का रेशियो बन गया। तो आप बोलेंगे टाइम का रेशियो सर बन जाएगा इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स क्या होता है, 2:1 हो जाएगा। अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट डिफरेंस हमारा आ रहा है, 1 यूनिट हमारा आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, 45 मिनट दिया, 45 मिनट दिया है। एक यूनिट 45 के इक्वल होगा तो 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 90 मिनट के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर 5 की स्पीड से राज चलता है, राज कितने की स्पीड चलता है, 5 की स्पीड से चलता है तो उसको 90 मिनट लगते हैं। अब ये बताओ 5 की स्पीड से चलेगा तो 90 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप बोलेंगे सर 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1.5 आवर। 1 आवर्स में कितना चलेगा, तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड 1 घंटे में 5 किलोमीटर है। अब बचा हाफ आवर्स में कितना चलेगा, तो आप बोलेंगे 2.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 2.5, आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। और जितना ही राज चला है डिस्टेंस उतना ही राम भी चला होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 = 45 है, तो 1 = 45 मिनट कर देंगे और 45 मिनट में 10 की स्पीड से जितनी डिस्टेंस चली होगी वही हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो 45 मिनट में 10 की स्पीड से जो डिस्टेंस चली होगी वो भी कितनी आएगी, 7.5 आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 7.5 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा, यस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 9 किलोमीटर नहीं होगा, ठीक, कुंदन का आंसर आया 9 किलोमीटर, कुंदन 9 नहीं होगा, 7.5 होगा, एक बार चेक करना कहां पर गलती की है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। अ चाइल्ड गोज अराउंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक चाइल्ड है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अराउंड चल रहा है। फ्रॉम ए टू बी इज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर्स, बी टू सी स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर्स, एंड सी टू ए इज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर्स, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। आपको ये बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ओके सचिन, आपने पहले किया था, लास्ट में सचिन हम लोग स्कोर देखेंगे, ठीक है, सभी का स्कोर देखेंगे, 10 out of 10 कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। चलो चलिए, टाइम अप हो चुका है, आज यही क्वेश्चन को क्या करना था हम लोगों को, देखो हमने आप लोगों को एवरेज स्पीड निकालना बताया था, क्या देखा था हम लोगों ने, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बताया था ये फॉर्मूला। फिर साथ में मैंने एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है, जैसे ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है, यहाँ पर स्पीड आपकी 1 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पर स्पीड भी 1 किलोमीटर पर आवर से, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2ab/a+b। बताया था मैंने ये भी कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2ab/a+b, या अगर डिस्टेंस सेम नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। बट देखो ये वाले क्वेश्चन में 2 नहीं आपको 3 दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है। देखो ट्राइंगल बना लेते पहले हम लोग, ये ट्राइंगल दिया है आप लोगों को, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ये ए बी सी ले लेते हैं। अब आपसे बोला गया ए से बी तक जा रहा है तो उसका स्पीड है 10 किलोमीटर, यहाँ से स्पीड कितना हो रहा है उसका 12 किलोमीटर, और ये स्पीड हो रहा है 15 किलोमीटर, ठीक है, ये स्पीड हो रहा है इसका, ये 10 का स्पीड है, ये 12 का स्पीड है, ये 15 का स्पीड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है मतलब क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल होगी, इसका मतलब बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस जो कवर की है वही डिस्टेंस ये भी है, वही डिस्टेंस ये भी है, मतलब तीनों केसेस में डिस्टेंस सेम है बट स्पीड अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके समझना। फर्स्ट मेथड क्या होगा कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस रहा होगा एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्या होगा एवरेज स्पीड, तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस x + x + x कितना हो जाएगा, 3x अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, x किलोमीटर कवर कर रहा है 10 की स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा, x / 10,
x किलोमीटर कवर कर रहा है 12 की स्पीड, टाइम कितना लगेगा x बाय 12। x किलोमीटर कवर कर रहा है 15 की स्पीड, टाइम कितना लगेगा x बाय 15। बस इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, दैट्स वाई ये क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जैसे भी दिखे कि अगर तीनों डिस्टेंस सेम होती है, जो दो डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2ab / a + b या 2xy / x + y बना सकते हैं हम लोग। अगर तीन डिस्टेंस सेम होगी तो कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। सर थोड़ा स्लाइड हटा देंगे यहाँ पर। अगर आपकी तीन डिस्टेंस सेम होती है, समझना, तीन डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, यहाँ पर स्पीड आपको दे देते हैं v1, यहाँ दी v2 और ये स्पीड दे दी v3, अलग अलग स्पीड दे दी आप लोगों को और आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 3 × v1 v2 v3, मतलब क्या करेंगे तीनों स्पीड का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे v1 v2 + v2 v3 + v3 v1 कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो आपकी डायरेक्ट एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, मैंने क्या लिखा 3, यहाँ स्पीड कितना है 10 का है, यहाँ कितने का है 12 का है, आगे कितने का है 15 का है, अपॉन अब क्या करना है आपको 10 में 12 का मल्टीप्लाई करना है 120, 12 में 15 का मल्टीप्लाई करना है 180 और फिर क्या करना है 15 में 10 का मल्टीप्लाई करना है 150। तो डायरेक्ट आप लोगों का आंसर कितना आएगा 3 × 10 × 12 × 15 / 120 और 180 कितना हो जाएगा 300 और 150 450 हो जाएगा। 15 से कैंसिल किया 30 हो जाएगा, 30 कैंसिल किया, आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर्स, इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है, आई बात समझ में? अगर आपको बेसिक से करना है तो ये रहा बेसिक, और अगर आपको फॉर्मूले से करना है जो मैंने बताया था 2 के लिए बताया था, ये 3 के लिए फॉर्मूला है ना, अगर तीन टर्म्स आ जाए तो कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। करना कुछ नहीं है, 3 में मल्टीप्लाई कर देना तीनों वेलोसिटी का और सभी का एक एक बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, v1 में v2 का, v2 का v3 में, v3 का v1 में, सभी को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदाउट फॉर्मूला ये रहा है ना, विदाउट फॉर्मूला ये रहा, अगर आपको बिना फॉर्मूले से करना है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला सभी के लिए लग जाता है, डिस्टेंस सेम हो नहीं हो सभी के लिए क्या है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x, टोटल टाइम कितना हो जाएगा ये आप लोगों को पता है, कर लेंगे ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। राहुल टेक्स टू वर्क फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू एट 11 AM एंड आकाश स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम क्यू टू टुवर्ड पी एट 11 AM, दोनों 11-11 बजे निकल रहे, ठीक है। एंड आफ्टर मीटिंग एक्स दे बोथ विद लीज देयर डेस्टिनेशन इज 36 and 49 minutes, फाइंड आउट एट विच टाइम दे विल मीट एट एक्स। जल्दी से यार, ये क्वेश्चन तो देखकर आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का तो आप लोग देखकर आंसर आना चाहिए आंसर क्या बनेगा, ठीक है। कितना आंसर हो रहा है 11:42, यस 11:42 एकदम एक्यूरेट आंसर है। बताया ना मैंने आप लोगों को कि अगर आप लोगों को दो डेस्टिनेशन दिए, ये डेस्टिनेशन दिया है, ये डेस्टिनेशन दिया है, ये ए ले लेते पॉइंट, ये बी ले लेते, यहाँ से एक आदमी निकलता है, यहाँ से एक आदमी निकलता है, दोनों एक पॉइंट पर मिले होंगे, फिर इसके बाद इसको जो टाइम लग रहा है और इसको जो टाइम लग रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है आप लोगों से बोला गया है 36 लग रहा है, इसको 49 लग रहा है, तो ये मीटिंग टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दोनों टाइम का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो, तो मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, मीटिंग टाइम आपका हो जाएगा कितना √36 × 49, 36 को बाहर निकालेंगे 6, इसको बाहर निकालेंगे 7, कितना हो जाएगा 42, आफ्टर 42 मिनट, 42 मिनट के बाद दोनों मिले होंगे, तो 11 बजे के 42 मिनट बाद मतलब क्या टाइम हो रहा होगा 11:42 AM, 11:42 पे क्या हुए होंगे दोनों एक दूसरे से मिले होंगे। क्लियर है, हाँ ये होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। हाउ मच टाइम डज अ बस टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 4 किलोमीटर अवे इफ इट्स कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ इट्स द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ द रिमेनिंग जर्नी एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आपको बस ये बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक। यस ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम लोगों को दिया गया कितना 400 किलोमीटर, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है
50 की स्पीड से 60% ऑफ रिमेनिंग, कितने की स्पीड से कवर कर रहा है, 60 की स्पीड से, एंड द रिमेनिंग जर्नी ही कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, ये करना है आपको, क्या बताना है, टोटल टाइम बताना है। ठीक, चलो, यस 7 आवर्स आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, देख लेते हैं क्या 7 आवर्स का राइट आंसर होगा। देखो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर है जिसका हाफ कवर कर रहा है 50 की स्पीड से, इसका हाफ कितना हो जाएगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 200। ठीक है, 400 का आधा कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से कवर करने में टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स। अब बचा कितना है आपके पास, 400 में से 200 हो गया तो बचा होगा 200 का 60% है ना, 60% ऑफ 200, मैं 60% को क्या लिखने वाला हूँ, 3/5, 5 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कवर करना है 60 की स्पीड से, मतलब टाइम कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे। क्लियर है। अब देखो 400 में से 200 और 120 हो गया, मतलब 320 कंप्लीट हो गया, बचा कितना डिस्टेंस होगा, 80 किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है, 80 किलोमीटर, 80 की स्पीड जाना है, टाइम कितना लगेगा 1, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7 आवर्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, 7 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्लियर, चलो वेरी गुड। 4+2+1 सर, यस एग्जैक्ट आंसर है निशा, 4+2+1 7 आवर्स आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है। ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जेमिन ट्रेवल 900 किलोमीटर पार्सली बाय बस एंड पार्सली बाय ट्रेन, द स्पीड ऑफ बस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर्स एंड 80 किलोमीटर पर आवर्स, इफ ही टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, द डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इन किलोमीटर इज, आपको ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर की गई होगी ट्रेन के द्वारा। ठीक है, ट्रेन और बस, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई होगी या ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, चलो ओके, एट हंड्रेड सबसे पहले आंसर आया निशा सिंह का, ओके अनुज का भी 800 आ रहा है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पार्सली किसी और चीज़ से कवर किया जा रहा है, पार्सली किसी और चीज़ से कवर किया जा रहा है, मतलब पार्सली अगर आपसे साइकिल से कवर किया जा रहा है, पार्सली आपकी बैलगाड़ी से कवर किया जा रहा है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, देख कर ही आंसर बनता है। अब एलिगेशन लगाने का तरीका क्या बताया था मैंने, ये लिख दिया बस और ये लिख दिया ट्रेन। बस का जो स्पीड है वो कितना दिया है आप लोगों को, तो बस का जो स्पीड दिया है वो दिया है 50 दिया है, तो इसके नीचे 50 किलोमीटर पर आवर्स रख दिया और इसके नीचे 80 किलोमीटर पर आवर्स रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन बोला है कि टोटल 900 किलोमीटर कवर करते हैं ये लोग, टोटल 900 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, 12 आवर्स का, तो मैं 900 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, 12×7=84 बचेगा 6/5, तो कितना बचेगा 75 किलोमीटर पर आवर्स, ये क्या आ गया इसका एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड को बीच में रख के क्या करेंगे हम लोग, एलिगेशन लगाएंगे, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का। बात समझना, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका बनेगा, टाइम का। मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों होता है, तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा, ये बनेगा 5 और ये कितना बनेगा 25, टाइम का रेशियो बन जाएगा 1:5। अच्छा टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे टोटल 12 आवर्स लग रहा है और हमारे अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना हो रहा है, तो 6 यूनिट हो रहा है, तो 6 यूनिट अगर 12 आवर्स के बराबर है, इसका मतलब 1 यूनिट हो जाएगा किसके बराबर, 2 आवर्स के बराबर, तो यहाँ पर उसको कितना टाइम लग रहा होगा, आप बोलेंगे 2 आवर्स लगेगा और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो 10 आवर्स लगेगा। हमसे किसका डिस्टेंस पूछा है, ट्रेन का पूछा है, तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 के स्पीड से 10 घंटे में ट्रेन चली हुई कितना डिस्टेंस, 800 किलोमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा 800। अगर बस का पूछता तो 50 की स्पीड से 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो 100 किलोमीटर। और देखो 800+100 टोटल कितना बन रहा है, 900 बन भी रहा है, मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आंसर कितना बनेगा, 800 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है। अब आ गया पवन का बनना है कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, पवन अब क्लियर हो गया है। याद रखिए हमेशा स्पीड 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 में आप लोग एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो निकलता है वो टाइम का निकलता है, ये बात दिमाग में रख लेना। कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर स्पीड 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 लगा तो स्पीड का रेशियो आएगा टाइम का आएगा, इसके इनवर्स का रेशियो हमेशा देता है। जैसे आप लोग अगर यहाँ प्राइस लेते हैं प्राइस लेते हैं प्राइस लेते हैं तो जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का आता है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था आप लोगों को कि अगर हम प्राइस लेते हैं तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, उसकी क्वांटिटी का आएगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। स्पीड एंड टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है, तो इनवर्स ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस 800 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। टू कार्स ए एंड बी मूविंग टुवर्ड ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, अनदर कार सी इज ऑल्सो मूविंग सच दैट द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड सी इज 38 किलोमीटर पर आवर्स वेयर द स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑफ सी, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक, फिफ्टी फोर, ओके 48 आ रहा है, 54 भी आ रहा है, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा, टाइम भी हो चुका है। ठीक है, चलो देखो क्या करना है आप लोगों को, समझो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो बस। ये यहाँ से ए लिया, यहाँ से बी लिया, ठीक है, ए और बी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू कार्स ए एंड बी मूविंग टुवर्ड ईच अदर द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये 50 का स्पीड है और इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है। ध्यान से समझना यहाँ पर है ना, सिर्फ रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाना, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं थी। ओके 72 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, 54 भी आ रहा है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। समझो क्वेश्चन को ध्यान से, है ना, सबसे पहली चीज़ क्या है, ए और बी दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से इधर जा रहा है, 60 की स्पीड से इधर आ रही है। क्लियर है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए और सी है, ए एंड सी का जो रिलेटिव स्पीड बन रहा है वो कितना बन रहा है, 38 किलोमीटर पर आवर्स बन रहा है। मेरे को ये बताओ कि अगर ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या 38 हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्योंकि बोलेंगे सर अगर ए और सी अपोजिट में जाते तो ए इधर जाता सी इधर जाता तो उनका रिलेटिव स्पीड 50 से ज़्यादा होता। अब 50 से कम हो रहा है मतलब सी क्या कर रहा होगा, यहीं से निकला होगा इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन किसी रही होगी, सेम रही होगी, तो सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, 50 में से 12 माइनस करोगे तभी तो 38 मिलेगा, 50 में से 12 माइनस करेंगे तभी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 38 आएगी, मानते हो बात, इसका मतलब सी का स्पीड कितना हो गया 12 का हो गया। क्लियर, अब आपसे बोला है कि बी आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से और सी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 60 + 12 आंसर कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स, कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव स्पीड वाला लगाना था, डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड को क्या करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए था, अलग अलग आंसर क्यों हारे समझ में नहीं आया। ठीक, 50 था 60 था अपोजिट होंगे, सी को इसके साथ ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि सी और ए की स्पीड क्या होनी चाहिए कम। अच्छा यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि सर सी का स्पीड 72 भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि सर सी का स्पीड जो होगा वो हो सकता था 88 हो जाए, 88 किलोमीटर पर आवर्स हो जाए, ताकि 88 और 50 का डिफरेंस 38 मिल जाए, बट क्वेश्चन में हमको बोला गया है, क्या बोला गया है कि ए का स्पीड सी से ज़्यादा होगा, ए का स्पीड क्या होगा सी से ज़्यादा होगा, सो ये वाला स्पीड इससे ज़्यादा होगा, दैट्स व्हाई इसको 12 लेंगे और इसको 50 लेंगे। क्लियर, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। अ ट्रक मूव्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, एक ट्रक है जो 90 की स्पीड से जा रहा है, आफ्टर रिपेयरिंग
एंड मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रक का पहले स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, जब उसको रिपेयर कर दिया गया तो उसका स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़कर कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर हो गया है। इफ़ इट कवर अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लग रहा है कितना, 8 आवर्स का, तो आफ्टर रिपेयरिंग हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू कवर द डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग। ठीक है, आपको बताया गया है कि रिपेयरिंग करने के बाद 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 8 आवर्स का टाइम लगता है, तो अब आपसे पूछा गया है कि इसको कितना टाइम लगेगा अगर ये 4x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है बिफोर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग होने के पहले 4x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आंसर आता है। 36, 48 अलग अलग फिर से आंसर आ रहे हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ये देखो कि आपका बिफोर रिपेयरिंग एंड आफ्टर रिपेयरिंग स्पीड क्या है। बिफोर रिपेयरिंग कितना था, 80 था, आफ्टर रिपेयरिंग कितना है, 90 है। ये बात मानते ना, क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को बिफोर रिपेयरिंग 80 था, आफ्टर रिपेयरिंग 90 हो गया है। अब आपसे बोला था क्वेश्चन में आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग, इट कवर्स x किलोमीटर डिस्टेंस इन 8 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग होने के बाद, ये रिपेयरिंग होने के बाद 90 की स्पीड से कितने घंटे चला, 8 आवर्स चला होगा, तब जाके 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो मेरे को ये बताओ 90 की स्पीड से 8 आवर्स में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 720 आ जाएगा, मतलब 720 आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ गया 720। अब क्या करना है, इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स, मतलब 4x कवर करना है, मतलब 4 × 720 कवर करना है कितने की स्पीड से, बिफोर रिपेयरिंग वाली स्पीड से। बिफोर रिपेयरिंग में स्पीड कितना है, 80 है, तो उसको 80 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 0 8 से कैंसिल किया 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36 आवर्स आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 36 आवर्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना, आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही वाला था, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सॉल्व करने में कोई भी टाइम नहीं था इसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे, देखेंगे सबसे पहले आंसर कौन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोला गया है अ ट्रेन लेफ्ट 1 आवर्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इज यूजुअल स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का यूजुअल स्पीड क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ट्रेन का यूजुअल स्पीड क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, कितना बनेगा, 38 होगा, 42 होगा, 45 होगा या 40 होगा। चलिए यहाँ पर अनुज का आंसर आया 40, ओके, पवन का 45 आया है, 45, 40 दोनों आ रहे हैं, सुमन का आंसर नहीं आया, पुजारी का 4, 45। चलिए आ जाइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात देखो आप लोगों को क्या बोला गया है कि पहले जो स्पीड रही होगी, हम लोग बोलते हैं पहले स्पीड रही होगी x कर लेते हैं, ठीक है, ओल्ड स्पीड कितनी कर लेते हैं, x कर लेते हैं, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर 10 किलोमीटर से बढ़ा दिए, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, पहले 200 कवर करना था और बाद में भी कितना कवर करना है, 200 कवर करना है। ठीक है, बट हमको क्या दिया गया है, इनके टाइम का डिफरेंस दिया गया, टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया, 1 आवर, तो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को न्यू ओल्ड स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो पहले इतना टाइम लग रहा था, अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, डिवाइड बाय x प्लस 10, अब इतना टाइम लगेगा, पहले इतना टाइम लग रहा था अब इतना टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 आवर, तो इक्वल टू 1 आवर्स कर दो। अब यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए, ऑप्शन क्या क्या दिए गए, मैं एक और तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो और एक और तरीका भी बताने वाला हूँ, वो मेथड से भी कर सकते हो आप लोग। ए बी सी डी कितना दिया है, 38, 42, 45, 40। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर 38 रखता हूँ तो मेरे को कभी 1 आवर्स मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पर 38 रखा तो ये डेसिमल में आ जाएगा, ये डेसिमल में आ गया और डेसिमल में कुछ भी टर्म को माइनस करो डेसिमल में होगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पर अगर 42 पुट कर दिया तो भी डेसिमल में मिलना है, तो भी क्या मिलना है, डेसिमल में ही मिलना है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। 45 पुट करके देख लेते हैं, 200 डिवाइड बाय 45 किया
5 × 9 = 45, 40/9, 40/9 भी डेसिमल ही देगा हम लोगों को, तो ये भी आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा कितना, 40 km/h। तो आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पर, 40 km/h आपका यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। आई बात समझ में, आंसर कितना बनेगा 40। आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व किया तो आपका एक मिनट आराम से लगेगा, और उसमें भी आप लोगों का आंसर सही होगा नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड समझते हैं हम लोग। सर थोड़ा स्लाइड हटा देंगे यहाँ पर, ठीक। सेकंड मेथड क्या होता है, देखो चेंज इन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है। आपसे बोला गया टाइम में अगर 1 आवर्स का चेंज हो रहा है कब, जब वेलोसिटी को 10 km/h से बढ़ा दिया, यही बोला गया है, ठीक है। टाइम में कितने घंटे का चेंज हो रहा है, 1 घंटे का चेंज होता है अगर मैं वेलोसिटी को 10 km से बढ़ा देता हूँ या फिर स्पीड को 10 km से बढ़ा देता हूँ। वेलोसिटी और स्पीड मैथ्स में दोनों एक ही टर्म होती है, ठीक है। फिजिक्स में चेंज हो जाती है, मैथ्स में वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो एक ही बात होती है। अब देखो यहाँ पर 1 घंटा टाइम बढ़ रहा है 10 km बढ़ाने से, अगर 20 km स्पीड बढ़ा देते हैं तो डिफरेंस कितने का बनेगा, 2 आवर्स का बनेगा। अगर 30 km से बढ़ा देते हैं तो डिफरेंस कितने का बनेगा, 3 आवर्स का बनेगा। अगर मैं 40 km/h से बढ़ा देता हूं तो डिफरेंस 4 आवर्स का बनेगा, मानते हो ये बात। 50 की स्पीड से बढ़ाता हूं तो डिफरेंस 5 आवर्स का बनेगा, इतनी बात मानते हो आप लोग कि अगर आप 10 से स्पीड बढ़ाते हो तो 1 घंटे का डिफरेंस, 20 से बढ़ाओगे तो 2 घंटे का डिफरेंस, 30 से बढ़ाओगे तो 3 घंटे का, 40 से बढ़ाओगे 4 घंटे का, 50 से बढ़ाओगे 5 घंटे का। ऐसा कब तक करना है आपको, तब तक करना है जब तक आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर टोटल डिस्टेंस 200 नहीं मिल जाता। 20 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 20 ही आएगा, 200 चाहिए हमको। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 60 ही आएगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 ही आएगा, और 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 200 मिल रहा है। तो ये 200 km मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तक हमको करना है, यहाँ पर जाके रुक जाना है। देखो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 200 बनेगा, बन रहा है 200। तो देखो डिफरेंस कितना रहा है स्पीड का, आप बोलेंगे 10 km, 10 km क्या कर दी हमने, बढ़ा दी स्पीड। स्पीड कितने किलोमीटर, 10 km बढ़ा दी, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 आवर्स हो रहा है। टाइम का डिफरेंस हो रहा है 1 आवर्स, तो बोल सकता हूँ कि पुरानी स्पीड कितनी थी, 40। यूजुअल स्पीड कितनी थी, 40, और 40 आंसर था हमारा, 40 km/h क्या था आंसर था। क्वेश्चन पूछता है कि न्यू स्पीड कितना है, तो न्यू स्पीड कितना हो गया, 40 से 10 बढ़ा के कितना हो गया, 50 हो गया। क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि भैया यूजुअल टाइम कितना था, तो आप बोलेंगे 40 की स्पीड से इसको 5 घंटे लगते थे। कितना टाइम लगता है, 40 की स्पीड से 5 आवर्स लगते थे। अच्छा न्यू टाइम पूछा तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा कम, 5 में 1 घंटा कम करो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मतलब एक साथ 1, 2, 3, 4 चारों आंसर आपके निकल गए, जो पूछेगा वो बता सकते हो यहाँ पर देख के, ठीक है। तो ये मेथड आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये वाला मेथड से तो फिर भी ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऐसा लिखना है और आप लोगों को आंसर निकाल के बताना है। क्लियर है, ओके। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है यहां पर, ट्रेन ए टेक्स 1 आवर्स मोर देन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर, ठीक है। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ बी, ठीक, ड्यू टू ट्रेवल स्पीड ऑफ बी फॉल्स बाय 1/3, सो इट टेक्स 3 आवर्स मोर देन ट्रेन ए टू कम्प्लीट द सेम जर्नी, वॉट इज द स्पीड ऑफ ए इन किलोमीटर पर आवर्स। आपको ये बताना है कि ए का स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में क्या होगा, ये आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का, 80, 90, 60, 70 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगेन डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, 40 भी आ रहा है, 90 भी आ रहा है और 80 भी आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोग, सबसे पहले आपसे बोला गया है कि ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से कितना ज़्यादा है, 1 आवर्स ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 आवर्स ज़्यादा है। मतलब बोल सकता हूँ बी को अगर लग रहा होगा एक्स आवर्स, तो ए को कितना लग रहा होगा, एक्स प्लस 1 आवर्स। यही बोला है ना क्वेश्चन में, ट्रेन ए टेक्स 1 आवर्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना चलना है, 720 किलोमीटर चलना है, 720 किलोमीटर। मतलब दोनों को सेम डिस्टेंस चलना है, 720 चलना है, बट इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है इससे। क्लियर, अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे समझना। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय 1/3,
इंजन ट्रबल होने के कारण स्पीड ऑफ बी कितना हो गया, 1/3 से गिर गया है। तो स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा, सपोज किया कि उसका स्पीड नहीं पता अभी हमको, स्पीड एज्यूम कर लेते हैं वाई रहा होगा, समझना ध्यान से, स्पीड कितना रहा होगा, वाई रहा होगा, तो 1/3 से गिर जाता है, 1/3 से कम हो जाता है, तो स्पीड होगा कितना, 2/3 हो जाएगा। ये बात मानते हो, 1/3 से कम हो रहा है, ऐसा नहीं बोला है कि 1/3 हो रहा है। अगर आपसे ऐसा बोलता कि बी का स्पीड 1/3 हो रहा है तो मैं 1/3 ऑफ वाई लिखता हूँ, बट क्वेश्चन बोला है कि 1/3 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब बचेगा कितना, 2/3 ऑफ वाई बनेगा। ध्यान समझना, ये क्या आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई है, स्पीड पे इतना फर्क पड़ रहा है, स्पीड कितना हो रहा है, पहले वाई था, 2/3 ऑफ वाई बन रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, डिस्टेंस अगर सेम कवर करना है तो टाइम में कितने का चेंज आएगा, आप बोलेंगे ये 2/3 का चेंज आ रहा है, तो टाइम में इसके इनवर्स का चेंज आएगा, कितना आ जाएगा, 3/2 ऑफ एक्स आ जाएगा, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाली लाइन आपको समझनी थी, आई बात समझ में, बी को एक्स लगता है तो ए को 1 आवर्स ज़्यादा लगता है, पहली चीज़ ये थी। सेकेंड बार क्या बोला आपको, बी ने अपनी स्पीड को 1/3 से कम कर लिया है, मतलब बी ने अपनी स्पीड को कितना कर लिया, 2/3 ऑफ वाई, वाई हमने एज्यूम कर लिया कि उसको पहले रहा होगा, तो अब कितना हो गया, 2/3 ऑफ वाई हो गया, क्लियर। अब देखो आपसे बोला है टाइम में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस सेम कवर करना था, अगर स्पीड 2/3 हो रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 ऑफ एक्स हो जाएगा टाइम, किसका, बी का टाइम हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे ही आप लोग ऐसा करते हो तो बी का टाइम 3/2 ऑफ एक्स तो मिल जाता है, बट जो ए का टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा रहता है। ए का टाइम क्या लगता है, बी के टाइम से 3 घंटे ज़्यादा रहता है, मतलब ए का टाइम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 3, ये ए का टाइम है, इसमें प्लस 3 कर दिया और ये बी का टाइम है, हो गया इक्वल, बस क्वेश्चन को इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 3x = 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना मिल गया, 8, मतलब a को जो टाइम लग, b को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 आवर्स लगेगा, तो a को जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 9 आवर्स हो जाएगा, क्लियर। अब a को 9 आवर्स लग रहा है कितना कवर करने में, 720 किलोमीटर कवर करने में, तो a का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, सो आंसर कितना बनेगा, 80 किलोमीटर पर आवर्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, क्या होगा, ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, सवाल में क्या दिया है, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन 2-3 लाइन का ही, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्लियर है, ठीक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर बना कितना है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर अब आप लोगों को बताना है कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए आप लोगों ने, टोटल क्वेश्चंस में स्कोर क्या हुआ है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे कि क्या आप लोगों का स्कोर हुआ, कितने आप लोगों ने गलत किए, कितने सही किए, हम लोगों को इससे पता चलेगा कि हम लोग कितने इंप्रूव हुए हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमारा स्कोर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। हर चैप्टर के बाद इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद हम लोगों का स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कितना स्कोर हुआ आप लोगों का, 9 हुआ, ओके, 7 आंसर आया, 7 करेक्ट हुए, ठीक है सचिन, 7 हुआ है 9 हुआ है, ओके ओके, मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी सारे आप लोगों के आंसर्स बने, ठीक है, 8 9 8 9, ओके। शिवम का सबसे कम है, 5 ही स्कोर है, शिवम 5 स्कोर क्यों है, स्कोर अच्छा होना चाहिए था आपका, ठीक। चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन एंड बोटन स्ट्रीम के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ट्रेन और बोटन स्ट्रीम का आज रिवीजन करेंगे आप, कल फिर से आएंगे, कल देखेंगे कि आप लोगों का ट्रेन और बोटन स्ट्रीम में स्कोर कितना बन रहा है। तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, आप लोगों का स्पीड भी बन चुका होगा इसके ऊपर, अब क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे, क्वेश्चन कैसा भी हो आप लोगों से बन जाएगा, एनटीपीसी लेवल का तो आराम से बना लोगे आप लोग, है ना, इवन आप लोग एसएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हो, एनटीपीसी तो बना ही लोगे, क्योंकि लेवल हम लोगों ने टफ से लेकर ईजी तक सारे लेवल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मंडे से दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, आपका स्पीड वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास को एंड करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम न्यू हैं यहाँ पर, तो भैया जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग न्यू बने नहीं रहे, ओल्ड हो जाए, यहीं पर बैठ के पढ़ते रहे, आप लोगों का इंप्रूवमेंट दिखे, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।